लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 13th ऑफ एक्सरसाइज 18a दैट इज मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा क्वेश्चन नंबर 13 इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 57.6 हमें जो डेटा नीचे दे रखा है उसका मीन दे रखा है 57.6 तो हम यहाँ लिख लेते हैं मीन इक्वल्स टू 57.6 आगे क्या कह रहा है एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फिफ्टी हमें पता कि total number of observation है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फिफ्टी है ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं राइट right? तो हमारा समीशन एफ कितना है फिफ्टी आगे अब हमें क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो क्लास और फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे तो क्लास कितनी है जीरो से लेके ट्वेंटी तक की फ्रिक्वेंसी है सेवन 20 से लेके 40 तक की फ्रीक्वेंसी है F1, 40 से 60 तक की फ्रीक्वेंसी है 12, 60 से 80 तक की फ्रीक्वेंसी है F2, 80 से 100 तक की फ्रीक्वेंसी है 8 और 100 से लेके 120 तक की फ्रीक्वेंसी है 5. फाइंड F1 वन एंड एफ और हमें F1 और F2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे x जो क्या होता था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय टू तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं देखिए ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू टेन होता है तो हमें पता चल गया टेन इसकी आई थर्टी इसकी आई फिफ्टी और इसकी आई सेवेंटी इसकी आई नाइन्टी और इसका आया हंड्रेड एंड टेन राइट right? अब हमने इसमें से एक एज्यूम्ड मीन ले लेना है तो हमने फिफ्टी को एज्यूम्ड मीन ले लिया तो डी क्या हुआ हमारा एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन तो हमारा था टेन माइनस फिफ्टी कितना आया माइनस फोर्टी टेन माइनस थर्टी इक्वल्स टू सॉरी थर्टी माइनस फिफ्टी 50 इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फिफ्टी माइनस 20 हो गया। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस 50 इक्वल्स टू 40 हो गया और 110 एंड टेन माइनस फिफ्टी इक्वल्स हो गया अब हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे FD. राइट right? एफ की मल्टीप्लीकेशन डी में तो सेवन मल्टीप्लाइड बाय माइनस फोर्टी कितना हुआ माइनस टू एट्टी इसी तरीके से एफ वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस ट्वेंटी कितना हुआ दैट माइनस ट्वेंटी एफ वन अब ट्वेल्व इंटू जीरो कितना हुआ जीरो एफ टू इंटू ट्वेंटी कितना हुआ ट्वेंटी एफ टू राइट एट इंटू फोर्टी कितना हुआ थ्री ट्वेंटी इसी तरीके से फाइव इंटू सिक्सटी कितना हुआ दैट इज थ्री हंड्रेड राइट अब देखिए हम समेशन एफ डी निकालेंगे दैट मीन्स हम इसको प्लस करेंगे तो ट्वेंटी एफ टू और माइनस ट्वेंटी एफ वन एज इट इज आ गए एफ वन प्लस ट्वेंटी एफ टू राइट अब ये देखिए ये कितना है टू एट्टी माइनस का और ये कितना है सिक्स ट्वेंटी तो 620 में से हमने माइनस कर दिया 280 तो कितना आ गया जीरो 12 में से एट गया फोर फाइव में से टू गया थ्री तो यहाँ आ गया 340 प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यूज ज्यादा थी अब हमें वैसे तो समेशन एफ दे रखा है लेकिन हम इसको एड करके देख लेंगे कि समेशन एफ कितना आएगा एफ वन और एफ टू एज इट इज आ जाएंगी एफ टू और बाकी कितना आएगा देख लेते हैं एट प्लस टू इज टेन सेवनटीन सेवनटीन प्लस फाइव इक्वल्स टू ट्वेल्व सॉरी ट्वेंटी टू राइट टू क्या टू प्लस वन इज थ्री ये आ गया अब देखिए हमें समेशन एफ दे रखा है आज जो आया है हमारा वो आया थर्टी टू प्लस एफ वन प्लस एफ टू राइट तो समेशन एफ की वैल्यू हमें फिफ्टी दे रखी है फिफ्टी इक्वल्स टू थर्टी टू प्लस एफ वन प्लस इधर ले आएंगे तो फिफ्टी माइनस थर्टी टू इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू लिख सकते हैं अब ये कितना आया टेन में से टू गया एट एंड फोर में से थ्री गया वन इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू हो गया अब यहाँ से चाहे आप f1 की वैल्यू निकाल लीजिए या f2 की अब मैंने f1 निकाल लिया f1 क्या आ गया 18 में से f2 टू माइनस हो गया ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट अब हम मीन निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे मीन का फॉर्मूला होता था ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ या समेसन एफ मीन दे रखा है हमें 57.6 सेवन पॉइंट एज्यूम्ड मीन जो हमने माना था वो था 50 राइट प्लस एफ डी समेन आया हमारा 340 फोर्टी माइनस ट्वेंटी एफ वन प्लस ट्वेंटी एफ टू आप चाहें तो समेन एफ में या तो ये वाली वैल्यू लिखिए या ये बात एक ही है तो मैं अब की बार फिफ्टी लिख रही हूं अभी तक मैं ये लिख रही थी लेकिन अब की बार मैं फिफ्टी लिख रही हूँ राइट अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई पहले सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस का साइन हो रहा है तो पहले हम इसको इधर लेके जाएंगे तो यह आया फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स माइनस फिफ्टी इक्वल्स टू क्या बचा थ्री फोर्टी माइनस ट्वेंटी एफ वन प्लस ट्वेंटी एफ टू अपॉन फिफ्टी तो सेवन पॉइंट सिक्स बचा इक्वल्स टू थ्री फोर्टी माइनस ट्वेंटी एफ वन प्लस ट्वेंटी एफ टू अपॉन फिफ्टी अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेवन पॉइंट सिक्स इंटू फिफ्टी क्ल टू थ्री फोर्टी माइनस ट्वेंटी एफ वन प्लस ट्वेंटी एफ टू राइट अब यह देखिए तो हो गया आप चाहें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो फाइव सिक्स थर्टी थ्री कैरी थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट ई इक्वल्स टू थ्री फोर्टी माइनस ट्वेंटी एफ वन प्लस ट्वेंटी एफ टू अब ये इधर आ गया तो ये आया थ्री एटी माइनस थ्री फोर्टी क्योंकि ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी एफ वन प्लस ट्वेंटी एफ टू राइट तो ये कितना आ गया फोर्टी इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी एफ वन प्लस ट्वेंटी एफ टू राइट अब ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन अब इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू रख देंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन टू टू की मैं वैल्यू रख दी तो ये क्या आया फोर्टी इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी एफ वन की वैल्यू थी एटीन माइनस एफ टू प्लस ट्वेंटी एफ टू राइट तो ये आ गया फोर्टी माइनस माइनस का कितना है थ्री सिक्सटी माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी एफ टू प्लस ट्वेंटी एफ टू ये इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा तो फोर्टी प्लस थ्री सिक्सटी इक्वल्स टू ये दोनों आपस में प्लस हो गए तो ये आ गया फोर्टी एफ टू तो ये कितना आ गया फोर हंड्रेड इक्वल्स टू फोर्टी एफ टू तो एफ टू कितनी आ गई फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर्टी दैट इज टेन आ गया राइट right? अब एफ टू की वैल्यू हमें पता चल गई टेन तो हम यहाँ रख देंगे अब देखिए एफ वन था हमारा एटीन माइनस एफ टू तो एफ तो वन कितना आएगा हमारा एटीन माइनस एफ टू की वैल्यू थी टेन तो टेन यहां रख दिया तो एफ वन कितना आ गया एट तो एफ वन आया हमारा एट और एफ टू आया टेन इज द आंसर अगर फूक से उड़ा लिया करो हाँ बस जल्दी जल्दी लिखो ठीक है गुड

फ्रीक्वेंसी दे रखी है नंबर ऑफ पेशेंट्स की वो हमारे कितने हैं थर्टी हैं अब आगे क्या दे रखा है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दे रखी है पर मिनट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट राइट और हमें क्या दे रखी है नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे हैं जिसे हम कह रहे हैं एफ नंबर ऑफ पेशेंट्स इसको हम कह रहे हैं एफ राइट ये दे रखा है तो हम लिख लेते हैं 65 फाइव टू सिक्सटी एट हार्ट बीट्स हैं टू पेशेंट्स की 68 एट टू सेवेंटी वन हार्ट बीट हैं फोर पेशेंट्स की 71 वन टू सेवेंटी फोर हार्ट बीट्स हैं थ्री पेशेंट्स की 74 फोर टू सेवेंटी सेवन हार्ट बीट्स हैं एट पेशेंट्स की एंड 77 सेवन टू एट्टी हैं सेवन पेशेंट्स की एट्टी टू एट्टी थ्री है फोर पेशेंट्स की एंड एट्टी थ्री टू एट्टी सिक्स है टू पेशेंट्स की राइट right? आगे क्या कह रहा है फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज पेशेंट्स चूजिंग अ सुटेबल मेथड हमें मेथड दे नहीं रखा है कि कौन सा मेथड यूज करना है बस वो कह रहा है कोई सा भी मेथड यूज करके हमें मीन निकालना है राइट right? तो हम पहले क्या निकालते थे एक्स निकालते थे अगर हम एज्यूम्ड मीन के मेथड से करते हैं right? राइट अगर हम नॉर्मल डायरेक्ट मेथड करते तो भी एक्स तो निकालना ही होता है तो पहले हम एक्स निकाल लेते हैं एक्स क्या था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय टू अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो देखिए सिक्सटी फाइव प्लस एट कितना आया ट्वेल्व प्लस फाइव इज थर्टीन एंड ये कितना आया सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व एंड थर्टीन इसको डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो ये आएगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव तो ये कितनी आ गई सेवनटी टू पॉइंट फाइव ये आ गई सेवनटी फाइव पॉइंट फाइव फिर आ गई सेवेंटी एट पॉइंट फाइव फिर आ गई एट्टी वन पॉइंट फाइव और फिर आ गई 84.5 ये निकाल के देख लीजिए यही आएगी राइट अब हम क्या निकालते थे अगर एज्यूम्ड मीन से करते थे तो डी निकालेंगे अगर मीन नहीं करेंगे तो हम डायरेक्टली डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं तो हमने एज्यूम्ड मीन के मेथड से एक्स माइनस ए कर दिया लेकिन एक इसे माना इसे माना राइट तो अब देखिए क्या बचेगा 66.5 सिक्स माइनस तो कितना बचा कैंसिल हो गया, माइनस का फिफ्टीन में से सिक्स गए में से गए नाइन आया राइट अब सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव में से हमने 75.5 फाइव पॉइंट फाइव माइनस किया तो कितना आया माइनस का सिक्स आया इसी तरीके से सेवेंटी टू पॉइंट फाइव में से सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव माइनस किया तो कितना आया माइनस का थ्री आया और ये सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव में से सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव माइनस हुआ तो जीरो आ गया नेक्स्ट सेवेंटी एट पॉइंट फाइव में से सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव गया तो थ्री आया एट्टी वन पॉइंट फाइव में से सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव आया गया तो सिक्स आया और इसी तरीके से एट्टी फोर पॉइंट फाइव में से सेवनटी फाइव पॉइंट फाइव गया तो कितना आया नाइन आया राइट right? अब हम क्या करेंगे एफ डी करते हैं राइट एफ इंटू डी टू इंटू माइनस नाइन कितना आया हमारा माइनस का एटीन फोर इंटू माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फोर थ्री इंटू माइनस थ्री दैट इज थ्री थ्री इज अ नाइन, राइट? अब एट इंटू जीरो दैट इज जीरो सेवन इंटू थ्री दैट इज ट्वेंटी वन फोर इंटू सिक्स दैट इज ट्वेंटी फोर एंड टू इंटू नाइन इज एटीन राइट अब हमारे पास समीशन एफ डी कितना हो गया राइट right? कितना हो गया देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया अब ये दोनों बचे तो ट्वेंटी वन में से अगर नाइन गए तो हमारा कितना बचा दैट इज ट्वेल्व तो ट्वेल्व आ गया राइट right? अब हम क्या निकालेंगे समेशन एफ वैसे तो हमें पता है थर्टी है लेकिन फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं टेन ट्वेंटी एंड थर्टी राइट तो समेशन एफ कितना हो गया थर्टी अब हमें मीन निकालना था हम लिख सकते हैं कि दैट वी आर कैलकुलेटिंग इट बाय अज्यूम्ड मीन तो ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ तो हमारा ए कितना था ए था हमारा 75.5 प्लस एफ डी कितना था 12 और एफ था हमारा 30 तो ये कितना आ गया 75.5 प्लस थ्री वन जर थ्री थ्री फोर जॉ ट मैंने यहीं डिवाइड कर लिया और ये आ गया पॉइंट फोर एक के बाद पॉइंट लग गया तो ये कितना आ गया सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन इज द आंसर